रिपोर्ट देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। चीन भले ही अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी करने में सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन उसे अब बड़ा झटका लगा है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कॉपी कर बनाए गए लड़ाकू विमान J-20 का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। बता दी कि पिछले महीने चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के चीफ यांग ई ने स्वीकार किया था कि J-20 अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 की कॉपी है। ताइवान ने दावा किया है कि चीन के कई फाइटर जेट्स उसके एयर स्पेस में घुस आए। ताइवान के रक्षा मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया है। इससे पहले ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन पर इस इलाके में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया था और दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उधर बुधवार को ही आसियान देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। वियतनाम ने साउथ चाइना सी में फ्री नेविगेशन का मुद्दा उठाया। साथ ही भारत और चीन के बीच तनाव पर सदस्य देशों ने भारत का समर्थन किया। ऑनलाइन हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ने की। भारत की तरफ से बैठक में विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में चौतरफा घिर रहा चीन अब अपने पारंपरिक मित्र उत्तर कोरिया को साधने में लगा है। बुधवार को उत्तर कोरिया के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बधाई दी और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। इधर प्रधानमंत्री मोदी के सेनापति विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति सफल हो गई है। रूस ने चीन को सुखोई 57 देने से इनकार कर दिया। सुखोई 57 रूस का फिक्स जनरेशन फाइटर प्लेन है जिसे चीन अमेरिका के F-35 से मुकाबले के लिए ले रहा था। यूरोप से निराश होकर लौटे चीन के विदेश मंत्री के बाद अब जिनपिंग खुद यूरोपीय देशों को साधने में लगे हैं। 14 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले यूरोपीय देशों से समर्थन मांगने गए चीनी विदेश मंत्री को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस बीच खबर है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। कल शाम बीजिंग में जिनपिंग के घर स्प्रिंग हिल में डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। शी जिनपिंग को हाई ब्लड प्रेशर है। बीजिंग के यूनियन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम की निगरानी में फिलहाल जिनपिंग है, लिहाजा जिनपिंग के आज सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। अमेरिका ने कुछ चीनी स्नातक छात्रों को वीजा देने से मनाही कर दी है। अमेरिका को डर है कि ये चाइनीज छात्र संवेदनशील शोध चुरा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने से चीन पर तकनीकी और शोध चुराने के आरोपों के बीच अमेरिका ने ये फैसला लिया है। भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे तिब्बती समुदाय के लोगों ने एक वीडियो जारी कर भारत को धन्यवाद कहा है। वर्षों से चीन के तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों का हमेशा भारत सरकार ने समर्थन किया है। बता दें कि पिछले 6 दशक से तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में रह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।